कम जो फ्लैग पे बस हाथ झंका मेरा कम जो फ्लैग पे और मेरे फैसले में फरिश्तों की जेर करके उसको छोड़ा, जेर करके उसको छोड़ा, चढ़ गई जिस पर निगाह सर झुकाते हुक्म से कुल जहां के जब तक हृदय में शांति है, जब तक हृदय में शांति है तब तक मरे हूं मैं। आज चढ़ गया अगर क्रोध तो समझो मैं हूं सूरजपुर नहर चौराहा थाना मसेटा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का जमींदार। मुझे ही लोग कहते हैं ठाकुर अरविंद और एक हमारा दोस्त है जिसे लोग कहते हैं अमित राज। हम लोगों के आगे अगर किसी माई के लाल ने आंख में आंख मिलाकर के पार करने की जरूरत थी तो वह इंसान समझ ले कि उसकी मां। मगर चौपाल में आए काफी देर हो गई, अभी तक नौकर नजर नहीं आया। पहले नौकर को आवाज लगाते हैं, बाद में उसको जरूरी बात करते हैं। नौकर ठाकुर साहब जय शंकर की, जय शंकर की, रहे नौकर बाबा जय शंकर की। ठाकुर साहब देखा नहीं अभी हमारी शान को, शाबाश। ठाकुर साहब देखा नहीं अभी हमारी शान को, कहो तो 12 घंटे में फांस दो पूरन कुमार को। ये पूरन कुमार कौन है रे? दरुहा। ये दरुहा कैसा है रे? अगर कच्ची पिलाई दो तो मन हो देगा पिटवाई दो, और अगर मैं पक्की पिला दूं तो? अगर पक्की पिला दो ठाकुर साहब तो भरी बाजार हम एक नहीं दो दो मूड कटवा लो, और अगर मैं इंग्लिश पिला दूं तो? और अगर इंग्लिश में दो ठाकुर साहब तो अपना ही मूड कटवा लो। हाँ कहे पियावो अपने अंडर में, ऐसे इंसान का बने अंडर पर रखेबा। हाँ तुम्हें कहा दो अंडर पर रखो। अबे अंडों की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब है कि ऐसे इंसान को अपने कब्जे में रखा करो। कब्जे में? हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम तेरे द्वारा उस पूरन कुमार को बुलवा लेंगे। जब जरूरत पड़े ठाकुर साहब हमारे द्वारा बुला रहे, फैसला हमारे द्वारा। कहा तो तुम्हारे द्वारा? तेरे द्वारा। हमारे कहने का मतलब है, मतलब कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम तुझे भेज करके और पूरन कुमार को बुलवा लिया। यह बड़ा चुप उल्लू के पट्टे बरात नहीं बात कही जाती है। नौकर तू तो जानता है कि एक हमारे बचपन का दोस्त है, दोस्त हमारा दो दोस्त ही नहीं हमारा दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ कहने का मतलब है कि हम जिस्म तो है लेकिन मगर हमारी जान एक, मतलब तुम्हार दो जने के खाना पखाना एक ही जगह। खाने तक तो बात ठीक थी, ये सारा पखाना सारा कब से एक में हो गया रे? खाना जरूरी लेटरी में तुम फिर तुम्हें हुए फिरते हुए चुप उल्लू के पट्टी। लेकिन नौकर आज हमारा दोस्त अमित राज भंसी हमसे 2 महीने से मुलाकात करने नहीं आया है। 2 महीने से न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई जो हमारा दोस्त हमसे मुलाकात करने नहीं आता है। उठकर कह रहे हो या कुछ नहीं रे? आज हम अपने दोस्त के आने का इंतजार करेंगे और अगर नहीं आता है, नहीं आते हैं तो कल सवेरे ही घोड़ा तैयार करो, उसके मकान पर मुलाकात करने हम जरूर चलेंगे, हम भी चलेंगे। ये रहे नहर चौराहा सुरपुर के निवासी जमींदार ठाकुर अरविंद सिंह। आप देखिए इनका दाहिना हाथ नहीं दाहिना अंग आप लोगों के सामने पेश होते हैं अमित राज। अरे जिधर चलता हूं उधर भूचाल आता है, जिधर चलता हूं उधर भूचाल आता है, जहां
कोई ना चाहे वहां मित्र राग। जमाना हमें का मिटाए, अरे जमाना हमें का मिटाए, जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे है जमाने से। सर्वप्रथम हमारा परिचय, लोग हमें ही कहते हैं अमित राजवंशी। मेरा नाम है, रहने का ठिकाना सूरजपुर नहर चौराहा, थाना मचरटा डिस्ट्रिक्ट। सूरजपुर का रहने वाला हूं मैं, और एक हमारा जिगरी दोस्त है जिसका नाम है ठाकुर अरविंद सिंह। मेरा जिगरी यार है, आज 2 महीने से हमने अपने दोस्त की मुलाकात नहीं किया, आज जाकर अपने यार अरविंद की मुलाकात करूंगा, दिल और दिमाग की बात करूंगा, देखूंगा किस हाल में है हमारा यार ठाकुर अरविंद सिंह। सुनो, मेरा वसूल है, अगर कोई भी इंसान मेरी नजरों में नजर मिलाकर बात कर दे तो उसका अंजाम होता है सजा। नौकर, काफी वक्त गुजर गया, मगर हमारा दोस्त अमित राजवंशी अभी तक हमसे मुलाकात करने नहीं आया। नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा उसके आने का इंतजार और करते हैं, और अगर वो नहीं आएगा तो हम उसके मकान पर मुलाकात कर रहे हैं, जरूर चलेंगे। ठाकुर साहब, इस तरीके से बात करोगे? देश आवाज आई, देश आवाज आई, हम पूछने लगे क्या, हमने कौन है, कैसे क्या मतलब, क्या नाम है, क्या नाम है, कहां से? अरे चुप, सारे उल्लू के पट्टे हराम जाती, तेरा मोह की मशीन है, इस तरीके से सारे बात की जाती है। जाओ, और सहूलियत से सराफत से, सराफत से बैठे डाकू साहब, जल्दी जाओ। बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है, इतने झूठे मारूंगा कि संकंजा हो जाएगा सारे। बात करने का ढंग तरीका नहीं मालूम है, इतने झूठे मारूंगा। इस तरीके से बात नहीं की जाती है, जाओ और बहुत प्यार से पूछो कौन हो भाई साहब। भाई साहब, भाई साहब, हम कहीं कौन हो, चुप, जल्दी जाओ। बैठे हैं साले, ऊंची गहरी ना, पहले तनियम घुसे हैं,
ऊंची गढ़ी पर होंगे। हाँ ऊंची गढ़ी पे। उनसे जाकर के बोल दो तुम्हारा जिगरिया, तुम्हारा दाहिना हाथ, हाँ, तुम्हारे इशारे पर लोगों का सर काटने वाला, हाँ, अमित राजवंशी आया है। पहुंचाओ तो, पहुंचाओ तो, यह कहा जाता है पूछिए। कैसी आवाज आई? आवाज का सुनकर तो हम खुश हो गए। क्या वो बात हम तुम्हें बताएंगे? हाँ। हमसे ज्यादा तुम्हारे खुशी, हमारे खुशी हमको खुशी होगी। हमारी इतनी खुशी, तुम्हारी इतनी खुशी। उल्लू के पट्टे, क्या आवाज आई? आएंगे। कौन आ गया? वह तुम्हारा आदमी। चुप, हराम ज्यादा उल्लू के पट्टे। अभी तक तो औरतों के आदमी हुआ करते थे, सारे आदमियों के आदमी कब से होने लगे? कौन आ गया? कौन आ गया? अबे कुछ नाम पता बताया नहीं बताया? आशे अमरूद। हाँ? ये साला क्या? गाशे गमला। आशे अमरूद, गाशे गमला, भाशे भट्टी, अंडा खाली। चुप, हरामजादी। आशे अमरूद, गाशे गमला, भाशे भट्टी, तुम सब पूछ रहे हैं? अरे कौन है, हम उसका नाम पूछ रहे हैं। वो जो आशे नाम है। आशे, आशे आम। क्या से क्या कहीं? हमारा दोस्त अमित राजवंशी तो नहीं आया? हाँ, 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 अरे चल फरार। अमित भाई एक घंटे से खड़ा हमारा दोस्त गेट पे इंतजार कर रहा है। जल्दी जाओ और सर उनसे बुला कर क्या अभी यार। जीव से शरखम शरे मेराज करता हूँ, मैं जयजीव से शरखम शरे मेराज करता हूँ, मैं अपने दोस्त ठाकुर अरविंद को नमस्कार। जब तक मुलाकात और है तुमसे नहीं, दिल न लगता मेरा दो। अरे मेरे दोस्त अमित राजवंशी, अगर तुम्हें किसी चीज की दिक्कत और परेशानी थी, अरे तो इस ठाकुर अरविंद सिंह से कहते, हम तुम्हारी हर समस्या, हर परेशानी। क्या बताऊं मेरे यार, ऐसे झंझट में मैं पड़ा था, कुछ बात करने का मौका ही नहीं मिला मेरे यार। मेरे दोस्त अमित राजवंशी, अरे हमने तो तुमसे कई बार कहा कि तुम अपने मकान पर अकेले रहते, हम भी अपनी हवेली में अकेले रहते हैं। अरे यार अकेले अकेले रहते रहते जिंदगी कब तक गुजरेगी? अरे क्या ना हमारे साथ हमारी हवेली में रहा करो। वाह मेरे यार वाह, आज तो तुमने हमारे मुख की बात छीन लिया। हम भी आज अपने दिल के अंदर ये सोच कर आए थे, आज अपने मकान पर नहीं बल्कि तुम्हारे साथ तुम्हारी हमेली। अरे वाह मेरे यार वाह, फिर तो हमारे तुम्हारे जीने का मजा ही मजा आ जाएगा मेरे यार। लेकिन मेरे दोस्त, हाँ, आज दो महीने के बाद तुम हमसे मुलाकात करने आए हो। हाँ हाँ, इसलिए इस तरीके से खड़े होकर के बात करना अच्छा नहीं लगता। आओ बैठो, बैठ करके कुछ दिल दिमाग की बात करते हैं मेरे यार। चलो बैठ करके बातें करते हैं। आओ, आओ।
महीने से हमारा दोस्त हमसे मुलाकात कर रही है, तुम सारे उसकी पहचान ही भूल गए। अरे इन्हीं का तो नाम है अमित राजवंशी। अरे अमित निर्वंशी, जय हम निर्वंशी हैं। इस तरीके से कहा और क्या कहा है? पूरा हम निर्वंशी हैं, हम निर्वंशी हैं। इन्होंने क्या कहा था? निर्वंशी नहीं, इन्होंने कहा था अमित राजवंशी। और मेरी बात जरा कान खोल कर सुन ले, हमारे दोस्त ने हमारा नाम तो बता दिया है, नाम? लेकिन हमारे काम से अभी वाकिफ नहीं है। काम से? हाँ, कहे कोई लेन खराब होगा? नहीं, हमारी लाइन खराब है। हम लाइन कटा है पूरा। बहुत गरम है, हर वक्त गरम रहता हूँ। कई महीना हम महीने से गरम है, अस्पताल लाएंगे। उरे हर वक्त हमारा मूड गरम रहता है। मूड बहुत गरम है, जांच कराओ गुर्दा खराब हो। गुर्दा ना कह जाओ, हमारी किडनी खराब है। साले एक घंटे से हमारा दोस्त आया हुआ, ना तो उसके खाने पीने की व्यवस्था, ना तो उसके नाश्ते की व्यवस्था। साले जब से हमारा दोस्त आया है, साले हराम खोर बार बार। अमित भैया का फल फलानु खाइयो? फला हम फलान खाएंगे, फलान खाने आए हैं यहाँ। हमारा दोस्त कोई बीमार है, अस्पताल से आया है। साले फल फ्रूट बोला जाता है, और तुम साले साले उल्लू के पट्टे फल फलहारी कहा कराओ? लेकिन हम फलों का सेवन नहीं करते हैं। तू नहीं जानता है मैं क्या खाता हूँ, हमारे दिल की इच्छा तुम क्या साले जानोगे? कोई भी नहीं जान सकता है। देख, तूने हमारे दोस्त को आते ही उसका मूड खराब कर दिया साला हरामी। अगर हमारे दोस्त को खुश करना है तो भागते हुए हमारे कमरे में चले जाओ, और उस कमरे में एक अलमारी है, उस अलमारी में एक हरी चादर पड़ी। जब उस चादर को हटाओगे तो उसमें बहुत से इंग्लिश के अद्धे लगे हुए हैं। फटाक से हमारे दोस्त के लिए एक इंग्लिश का अद्धा लेकर जाओ। क्या मांगा गया था? ईंट का गद्दा कहना है। हाँ, तेरी बहिरा के साले की। ईंट का गद्दा नहीं रे, इंग्लिश का गद्दा। ये लिखा इंग्लिश? ये लिखा हुआ नहीं रे, इंग्लिश शराब। खराब वाला बढ़िया वाला? अरे खराब नहीं, शराब। दारू समझते हो? पीने वाली? हाँ। हम कहीं क्या बता? शब्बे मार डालोगे किसी को? ऑपरेटर जरा थोड़ा इसका इको कम करो, बाहर की भी आवाज कम करो, ग्राउंड की बढ़ाओ, इको कम करके ग्राउंड की आवाज बढ़ाओ। हेलो हेलो बढ़ाओ। अब हैं तो ना आगे से वापसी बढ़ाओ। हेलो हेलो हेलो, आ बैठो मेरे, आ बैठो मेरे। बारह रंडी नहीं, से कहते हैं ब्रांडी, लेकिन एक नहीं अनेकों प्रकार की ब्रांडी होती है। लेकिन तुम इसका नाम नहीं जानते हो। क्या नाम है? मैं बताता हूँ, इसका नाम है एम्पीरियल ब्लू। यो पहले ब्लू एम्पीरियल ब्लू। नहीं नाम ले पाते तो सिर्फ दारू कहोगे तुम। दारू? हाँ,
लाए है तो इसकी सील तोड़ो। तुम्हारे मन है क्या? हमारा मन है रे। हाँ तुम्हारे मन हो हम सील तोड़ दें। तो सब हमारे मन के अनुसार काम करोगे क्या? ना तुम्हारा इच्छा कुछ ना हुई तो ठीक है, हमारी इच्छा है सील आप तुम ही तोड़ोगे। तो बैठो सील तोड़ी। अरे हम बैठे या खड़े रहे तुमसे कोई मतलब है क्या? तो का खड़े खड़े तोड़ी। अरे यार ये इससे जो भी कहना है सिर्फ एक बार कहो, अगर दो बार कहो तो साला बंद बंद रहेगा। तो इसके सामने का हम गूंगे बन जाए क्या? ज्यादा बात नहीं काम ज्यादा। तुम यहीं पर बैठो। बोले यहीं पर काम ज्यादा बातें कम करो। जूता निकाल करके 50 मारेंगे। ये जो अपना चेहरा बनाए घूम रहे हो साले बिल्कुल मनहूस का। ऑल इंडिया मिस जरूर कर दी। बड़ी बड़ी शीलें तोड़ डाले वो लगे पीछे तुम अपने के चौंक ही लगे थे। समाज के अंदर नहीं बैठे हो क्या? समाज घुस के बैठे हैं। समाज का आई साईं फकीर पूरे साईं फकीर समाज पर बैठते हैं साले। हमारे कहने का मतलब समाज समाज में कैसे बैठा जाता नहीं जानते हो क्या? ये देखो सब सामाजिक लोग हैं। देखो कितनी अच्छी प्रकार से बैठे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। अत्या तुम हरामी खानदान से पैदा हो ऐसा बैठे हो साले जैसे पुराने जमाने में औरतें चकिया पीसती हैं। हाँ ऐसा गदरा चीरे बैठे हो। अबे साले अगर पैक बनाना है तो उठकुरुआ बैठ के बनाओ। आओ क्या चलो तुम्हारी तकलीफ ना हो। हमें क्या है तकलीफ है? गजरा फैलाए बिना ही बनाए उठकुरुआ बैठे बनाए। अरे हमें कैसे नहीं तकलीफ है चाहे जैसे तुम बनाओ बैठो बनाए। देखो खोले हैं बनावा दियो। अरे साले खोले हो बनाओगे तो तुम ही। लेकिन पहले बात तो सुनो हमारी। कै पैक बनाने जा रहे हो? दो पैक नहीं दो पैक। तीन बनाओ तीन। पीने वाले तीन लोग हैं ना? पीने वाली दो जनी हो। हम लोग पीने वाली हैं? नहीं हम लोग पीने वाली हम लोग औरत हैं। हम लोग औरत हैं। पीने तुम्हारी नजर में हम लोग औरत नजर आ रहे हैं ना? पीने वाले पीने वाले पीने वाले पीने वाले दो लोग नहीं तीन लोग हैं। नहीं दो लोग। पहला पैक हमारे दोस्त के लिए बनेगा और दूसरा पैक हमारे लिए बनेगा और तीसरा पैक तेरा क्या नाम है रे? आज तुम अपना नाम बताओ। क्या नाम है? मुश्किआओ ना नाम बताओ। हमारा हाँ चमकीले। क्या बतायो? चमकीले। चमकीले नाम है तेरा? दुनिया का मैल लादे घूम रहे हो और नाम अपना रखे पड़े हो चमकीले। चलो ठीक है हम आज से तुम्हें चमकीले ही नाम से पुकारेंगे। तो आज तीसरा पैक चमकीले तेरे लिए बनेगा। हमका ना पियो। पियोगे? हमका ना पियो। पियोगे? क्यों रे शराब क्यों नहीं पीते हो? बंग जाती है। बंग का मतलब? मतलब नशिया जाती है। अरे ये शराब नशे के लिए ही पी जाती है रे। और जब नशिया जाते हैं तो बहने बुआ ने उठी थी। तुम्हारी इतनी औकात है तुम बहनी बुआ ने उठोगे? हम जाने नहीं भाई। लेकिन मेरी बात जरा सुन। बोलिए। आज तुम मेरे कहने से शराब पिएगा मेरा वसूल तू नहीं जानता है कि मेरा वसूल कैसा है। हमारी कुछ ऐसी आदत है हम किसी को छोड़ करके कुछ खाते पीते नहीं है। अब है साले दूसरा भूखे मर जाएंगे वो मंजूर है लेकिन हम किसी को छोड़कर कुछ खाएंगे नहीं। अगर हमारा दोस्त आ जाए या कोई भी इंसान हमारे सामने आ जाए हम खाना खाते हो। तुम खा लेते हो। अबे खाने की थाली उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। अच्छा तब है मेरा तो बनाएंगे।
अरे यार तुम बातें बहुत करते हो यार, पैक तैयार कराओ, बैठो। हमारे कहने से थोड़ी शराब पियोगे ताकि तुम्हें नशा ना होने पाए, हमारे कहने का मकसद हो जाए, मकसद हो जाए। चलो बनाओ पैक, बैठो। अमित भैया कहा पह पह बनाई, हम जाए पूछ रहे। तुम्हारे मारे पिए जाएंगे नए मात तनिक डाल ले, आज इच्छा नहीं। हाँ तनिक डाल ले। अमित भैया पानी, अमित भैया तुम्हारे में कंधा पहनी, अरे साले अभी जमींदार साहब ने बताया है ये इंग्लिश शराब है, शराब से दो गुना पानी मिलाओ, फिर भी कहते हो तुम्हारे कंधा पहनी। फूल कह देता हूँ कुछ सही जाता, तुम्हारे में कितना पानी डाले बेहूदा साले उल्लू के पट्टे और कुर्मी हो गए साले, कौन खानदान के हो जाबे, बहुत लंबी रखाए हो, अच्छा चोर आओ भंगीलाल वर्मा। अरे दद्दू पैक बढ़ाओ, अमित भैया ले पकड़ो, ना पकड़ा तो थाम आओ। अरे यार सुनो हमारी बात, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी आवाज से दोनों से नफरत है, ऐसा करो ये दुपट्टा अपने चेहरे पर डालो और हमारी तरफ अच्छा इशारा कर दो, बस इशारा करो, इतना काफी है। ये किसका पैक है रे? अपना है, थोड़ा डाल लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे मुंह से अनाप शनाप निकलने लगता है, इसलिए इसने थोड़ी शराब लिया पानी ज्यादा मिला लिया। पानी हमें एक बूंद नहीं मिला, यहाँ हमारे खास बात है। बिना पानी के पियोगे क्या? फ्लेवर भेज, क्या मर जाना चाहते हो क्या रे? अत्यम का हो, अत्यम गोल्डन हाथ में लगा लेते, इतने बड़े नशेड़ी हो। चलो ठीक है, आज हम देखते हैं तुम कैसे शराब पियोगे, कितना नशा तुम झेल सकते हो। आज सबसे पहले तुमसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शराब तुम पियो। वैसे हमारा चुका दे, आज पहले तुम्हें डार जाओ, डार जाओ, हम कोई गाय भैंसिया है जो डार जाए? कहा जाता है अमित भैया सबसे पहले तुम पियो, लेकिन हम नहीं पियेंगे, आज सबसे पहले तुम पियोगे। शुरुआत तुमसे करते हैं, चलो निकलो पी जाओ, शाबाश जाओ, पियो 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 पियो, शाबाश शाबाश। क्या क्या बात, क्या है, क्या है रे? उल्टी है, उल्टी पल्टी करना तो बाउंड्री के बाहर निकल जाओ, वरना 50 जूते मारूंगा सर पर। निकल गए साले महिलुआ हराम जादे, साला शराब मुक्त लाए, उल्टी मुक्त लाए और साला फिर निकल गया। तने हट, अम्मत पीना रे, हट पिछ हट, हट मेरे यार। अरे मेरे दोस्तों, दो महीने से हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, तो शराब पीने में कुछ मजा ही नहीं आया, कुछ मजा ही नहीं आया। आज हम तुम एक साथ बैठकर इतनी शराब पिएंगे कि नशा साला कब्र तक ना।